हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं अविनाश, और जैसा कि हमने बताया था कि अभी हमारे क्लासेस स्लाइड्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस जो चल रहे हैं, जिससे आपके वो एक आइडिया मिले और उस आइडिया पे और उस पाथ पे चलकर आप इस स्लाइड्स में सिलेक्टेड हो। और जो अभी क्लासेस जो हम ले रहे हैं वो सेट वन के लिए ले रहे हैं, और इसमें कुछ हमारे पास कॉमेंट्स है वो सेट टू के लिए भी है। जो डिप्लोमा करके जो आते हैं वो डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं, वो सेट टू उनका पेपर होता है, उनके लिए भी क्लासेस जो है वो बनाने वाले हैं। और एक एंट्री होती है प्लस टू और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके जो ITI करके बच्चे आते हैं, एक वो भी होता है एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो सेट थ्री होता है। तो ये सब जो सेट वन सेट टू और सेट थ्री है, तीनों का हम इंडिविजुअल सारे बनाएंगे। अभी फिलहाल जो क्लासेस जो चल रही है वो सेट वन की है। लास्ट क्लासेस में हमारे पास जो एक कॉमेंट्स आया था हमारे वीडियोस पे, उसमें वो एक कॉमेंट्स ये था कि क्या सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। तो मैं उन चीज़ों को पेपर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं पेपरों में से मैथ्स के सेपरेट करके मैंने सारे अलग नोट्स बना रखे हैं चैप्टर वाइज सारी चीज़ें। तो ये जो पेपर है वो सेट वन है, ये लास्ट ईयर का पेपर है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको दिख रहा होगा क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेपर है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेट वन है और ये 2018 का पेपर है। इससे पहला जो हमने दिखाया था ये पेपर था सेट वन, जो 10th एपीयर्ड और 10th पास जो बच्चे होते हैं वो अप्लाई करते हैं। और ये जो पेपर है वो 2019 का लास्ट ईयर का है। और इसके बाद एक और पेपर दिखाएंगे, ये भी आपका सेट वन है 2017 का। तो ये पेपर मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसी से सारे क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर और टॉपिक वाइज सेपरेट कर दिया, जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। और इससे ही हमने टोटल ये बैंक बना रखा है, जिससे कि हम सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं कि 10 साल में। इस तरह से 3 ईयर्स का मैंने पेपर दिखा है, टोटल 10 ईयर्स का पेपर है, जिससे कि मैं सेपरेट सेपरेट करके आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ, एक पाथ दे रहा हूँ। और विदाउट एनी डाउट्स आप इस पे चलिए, प्रैक्टिस कीजिए और स्लाइड्स में एडमिशन्स लीजिए। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो लास्ट जो क्वेश्चंस आए हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा रहा है कि ऑलवेज मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपके हाइट एंड डिस्टेंस के आने ही आने रहते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, और हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक होगा वो 2-3 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो पहला क्वेश्चन जो है गिवन है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री 7 मीटर हाई। तो सबसे पहले हम एक ट्री बनाते हैं, ऑब्वियसली इसका जो शैडो होता है वो शैडो आपका ग्राउंड में होता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ऑलवेज जो हमारा एक ट्राइंगल होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, और शैडो जो होता है वो आपका बेस हो गया, और ये हमारा हो गया ट्री। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री 7 मीटर हाई। तो एक ट्री है जिसका लेंथ आपका 7 मीटर है, तो इसका जो शैडो है उस शैडो का लेंथ आपको निकालना है। व्हेन द सन एलिवेशंस, एलिवेशंस मतलब होता है कि हम अपने लेवल से जब ऊपर की चीजों को देखते हैं तो जितने एंगल से हम ऊपर देख रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग एलिवेशन, और अपने नॉर्मल हाइट से जब नीचे के साइड में देखते हैं तो ये जो डाउनवर्ड जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। तो यहां दिया एलिवेशन, और वो एलिवेशन इस ग्राउंड से 45 डिग्री पे है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा सी है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एंगल है, एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और इस तीनों में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है। सो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 7 बाय x, एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो x इज इक्वल टू आपका 7 मीटर आएगा। इसका मतलब जो ट्री का हाइट है वही शैडो का हाइट होगा अगर एंगल 45 डिग्री है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले टावर बनाते हैं, टावर क्या होता है, वो बेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा टावर है और इस बेस पे परपेंडिकुलर। इफ द हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो,
इनका और इनका अगर इसे हम एक्स लेट करते हैं और इसे वाई लेट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इनका रेशियो दिया हुआ है √3:1, देन एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। अगर मैं यहां से टावर को देख रहा हूं तो अपने नॉर्मल हाइट से ऊपर के साइड में देख रहा हूं, अबव देख रहा हूं, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग एलिवेशन कहेंगे। एलिवेशन, और ये एंगल निकालना है, हमने इसको थीटा लेट कर दिया। यहाँ ऑब्जर्वेशंस में ये आएगा कि एंगल और साइड में क्या रिलेशन है। इस एंगल के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में पहला टैन का रिलेशन है और दूसरा कॉट का रिलेशन है, दोनों में कोई अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां मैंने टैन को अप्लाई किया, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स बाय वाई, इट इज इक्वल टू √3/1, इट इज इक्वल टू √3। सो टैन थीटा इज इक्वल टू √3, एंड टैन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सो हाइट एंड डिस्टेंस ये जो है पहले के क्वेश्चंस हैं, और 2003 एंड 2004 के अप्रॉक्स ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाते हैं कि अगर हमारा काइट जो है फ्लाई कर रहा है तो किस तरह का ग्राफ हो सकता है। लाइक दिस, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, अगर मैं सी पे हूं तो काइट का पोजीशन हमारा यहाँ होगा, और उस केस में जो स्ट्रिंग होगा ये स्ट्रिंग होगा, ये नॉर्मल हाइट से ऊपर देख रहे हैं तो हमारा ये एलिवेशन का पोजीशन होगा। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो काइट फ्लाई कर रहा है वो 100 मीटर आपका अबव है, और उस केस में जो काइट का स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या होगा, ये लेंथ आपको बताना है। और इस केस में भी दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो अगेन यहाँ पर जो मेरे पास रिलेशन आए इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 है तो 90 के साथ में आपका हाइपोटेन्यूस होता है लंब, और ये आपका कर्ण। तो एंगल लंब और कर्ण परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है साइन का। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 100/x आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इट इज इक्वल टू 100/x, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 × √3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 200/√3 आएगा। यहाँ तो ऑप्शन 200/√3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इन केस अगर ऑप्शन इसमें ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते, बट हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में ये लाइज कर रहा है, इन केस अगर ये लाइज नहीं करता है तो आप √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे और इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोल 10 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। बहुत इजी है, एक पोल है, पोल ऑलवेज ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर पोल है, और ये पोल जो है ग्राउंड पे जो शैडो बना रहा है, पोल का हाइट भी 10 मीटर है, पोल आपका 10 मीटर हाई है और ग्राउंड पे जो शैडो बन रहा है वो भी आपका 10 मीटर है, तो इस केस में एलिवेशंस मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो एंगल के बीच में जो रिलेशन होगा वो टेन का होगा, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10/10, इट इज इक्वल टू 1, और टेन कितने डिग्री बार 1 होता है, तो वो होता है 10/45। सो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो आज की क्लासेस से मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के 4 जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुके हैं कि
हाइट एंड डिस्टेंस वो टॉपिक है जिससे मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपको आने ही आने रहते हैं स्लाइड्स में, ऑलवेज एवरी ईयर कभी 3 कभी 4 3 4 लाइक दिस, इस तरह के रेशियो में आता है। और क्वेश्चंस का लेवल भी देख रहे हैं, लेवल भी काफी अच्छा है, ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का फेवरेबल नहीं होता जहाँ से इस तरह के इजी क्वेश्चन को हम कर सकें। तो इसका टोटल मीनिंग यही है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को निकालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, 50 से 60 चांस उसको प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डिफरेंट सम्स पे। नेक्स्ट क्लासेस में अगेन हाइट एंड डिस्टेंस पर भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद।